हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हमने पढ़ा सब्सिडरी बुक्स, उसमें हम इस नतीजे में पहुंचे कि हम हर ट्रांजैक्शन को सीधे जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। और अगर उनका नेचर उस टाइप का होता है जिस टाइप की हमने सब्सिडरी बनाते हैं, तो उसकी एंट्री हम वहां पे कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगर लेजर अकाउंट बनाना होगा तो उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि 8 टाइप के सब्सिडरी बुक्स है, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था कैश बुक, जिसमें क्या होगा, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो गई वो यहाँ पे हो जाएगी। ट्रांजेक्शन में क्या हो सकता है, या तो रिसीट हो सकता है या पेमेंट होता है, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन वो यहाँ हो जाएगी। उसके बाद हमने बताया था परचेज बुक, जिसमें क्या होता था, क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न ऑफ द परचेज गुड्स विच वर परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न ऑफ द गुड्स विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद हमने पढ़ा बिल्स रिसीवेबल बुक, द बुक इन विच द डिटेल्स ऑफ द बिल्स रिसीवेबल एंटर्ड, एंड बिल्स पेबल बुक, जिसमें बिल्स पेबल का होता है और जो कहीं पे भी फॉल नहीं करता है उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर करते हैं, मतलब वो लास्ट रिसीवेबल डायरी है जहां पे वो नॉर्मल जर्नल एंट्री है जो हमने पढ़ा था, मशीनरी अकाउंट ऑफ वेंडर या उस तरह के डेप्रिसिएशन की एंट्री, सेल्स आउटस्टैंडिंग की एंट्री, सॉरी सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, वो सारी वहां पे होती थी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो सारे तो नहीं थे सिलेबस में, बट बेस बनाना बहुत जरूरी था, वो है कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक हमने सबसे पहले ये सीखा है, कैश बुक क्या है, सारे सब्सिडरी बुक है। क्यों सर, ये हमें मदद देती है, इट्स एक तो ये सप्लीमेंट करती है जर्नल को, अब जर्नल की जरूरत नहीं रही, तो उसको सप्लीमेंट कर दिया किसने, जर्नल की जरूरत नहीं रही उसको सप्लीमेंट कर दिया कैश बुक ने, तो ये सब्सिडरी बुक कहलाई जाएगी। दूसरी चीज सर, इसके बेस पे हम लेजर बनाएंगे, तो ये लेजर को सप्लीमेंट करती है, तो इसको सब्सिडरी बुक बोलते हैं। तो एक चीज हो गया कैश बुक। दूसरी चीज सर, इसमें ऑल कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, क्या होगा, एक तो ये सब्सिडरी बुक है, इसमें ऑल कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। चाहे वो कैश का रिसीट हो या कैश का पेमेंट, तो रिसीट हो सकता है, पेमेंट हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कैश बुक का फॉर्मेट है, हम कैश बुक को इस तरीके से रखते हैं, ये कैश बुक का फॉर्मेट है, यहां से हम रखते हैं रिसीट्स और यहां से रखते हैं हम पेमेंट्स। सर, यहां से रखते हैं रिसीट्स और यहां से रखते हैं पेमेंट्स, और यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, यहां होता है डेबिट, यहां तो होता है क्रेडिट। तो जब तुम कैश बुक को देखते हो, कैश बुक इज जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट। हाँ सर, ये तो अपने अकाउंट का फॉर्मेट बनाता है, यहां पे डेबिट साइड की एंट्रीज आ जाएंगे, यहां पे क्रेडिट साइड की आ जाएंगे, पेमेंट्स, पेमेंट क्या होती है, कैश निकल जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पे क्या होगा, रिसीट्स में कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट करना होगा इस तरफ लिखेंगे, कैश को क्रेडिट करना होगा तो इस तरफ लिखेंगे। आपने भी नॉर्मली देखा होगा कैश बुक रिसीट साइड और पेमेंट साइड, तो वो अगर देखोगे क्या है, अगर विजुअलाइज करोगे सर, कैश बुक इज नथिंग देन बट इट इज जस्ट अ कैश अकाउंट, तो तुमने देखा कि ये क्या है, कैश बुक क्या है, सर ये एक कैश अकाउंट भी है। और जब मैंने बोला कि ये एक कैश अकाउंट है, तुम बोलोगे कि सर ये तो फिर लेजर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कैश बुक को देखा तो बोला कि ये तो सब्सिडरी बुक है, ये तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, क्योंकि सबसे पहले एंट्री तो इधर ही होती है, जो भी ट्रांजेक्शन कैश में हो गए उसका तुम कहीं पे जर्नल एंट्री नहीं करते हो, उसकी सबसे पहली रिकॉर्डिंग तुम कैश बुक में करते हो। फिर बोलोगे तुम रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हो, तुम अकाउंट फॉर्मेट में रखते हो, अदरवाइज तुम क्या बोलते हो, पहले जर्नल एंट्री करेंगे फिर जाके अकाउंट में बनाएंगे, तो जब कैश की ट्रांजेक्शन है भाई, कैश में रिकॉर्ड कर रहे हो तो सीधे कैश का अकाउंट बनाओ ना, कैश का अकाउंट बना दो, फिर जो दूसरा अकाउंट बनाना है वो हम बना देंगे, तो सीधे कैश का अकाउंट बनाओ, तो फिर क्यों तुम्हें पहले कैश के उस कैश बुक में जर्नल एंट्रीज करने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू फलाना कलेक्शन, डिग करना फलाना डेबिट टू कैश, ऐसे ऐसे करके क्यों करना है, सीधे कैश का अकाउंट बनाओ ना, क्यों जर्नल एंट्री बनाओगे और फिर कैश का अकाउंट बनाओगे। तुमने क्या किया, कैश बुक बना दिया, यहां पर पहले जर्नल एंट्रीज ही करते रहे और फिर जाकर शाम को वो लेजर बनाएगा, वो बोले यार मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कोई और काम नहीं है, तो मैं तो एक अच्छा तरीका तुम्हें बताऊंगा, तो एक्सेप्ट करो ना उस चीज को। हम बोल रहे क्या, उसने बोला मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, ट्रांजेक्शन तो है ही, तो टेंशन खत्म हो जाएगी, तो मैं क्यों पहले जर्नल करूंगा और फिर लेजर बनाऊंगा इसका कैश का, जब पता ही है कैश का है। तो कैश बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या सीखा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 50% ट्रांजेक्शन्स कैश की होती है, तो हम इसका जर्नल भी नहीं बनाते हैं, कैश बुक को ही इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो हमने जब देखा जो कैश बुक है वो एक लेजर भी है, कैश बुक जो है वो एक लेजर भी है, तो कैश बुक क्या बनेगा,
सर लेजर्स को क्या बोलते हैं, जैसे सब्सिडरी बुक्स को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइमरी बुक, सॉरी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडरी बुक। इसी तरीके से जो लेजर होते हैं, लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, वो है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ये बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं इसको, लेजर अकाउंट। तो हमने ये समझा कि हम इस नतीजे पर पूछा है कि कैश बुक जो है ये सब्सिडरी भी है और ये प्रिंसिपल बुक भी है। हाँ सर, ये कैश अकाउंट भी है तो ये कैश जर्नल भी है, ये दोनों चीजें है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड जर्नल जहां पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल क्या होता है, जिसमें सबसे पहले एंट्री होती है। तो कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन उनकी सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, कैश बुक में। तो एक स्पेशलाइज जर्नल है, ये सब्सिडरी बुक है, बट इसको हम अकाउंट फॉर्म में रखते हैं तो ये अकाउंट भी है। तो कैश बुक इज अ जर्नल, स्पेशलाइज्ड जर्नल जिसको हम सब्सिडरी बोलते हैं, एज वेल एज इट्स अ लेजर अकाउंट क्योंकि इसको हम लेजर फॉर्मेट में रखते हैं। तो ये सब्सिडरी बुक भी है, ये प्रिंसिपल बुक है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, कैश बुक इज एस, तो आंसर इज है सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी, इट हैज टू बी सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल। अगर उस तरह से तुम्हें अगर प्रिंसिपल एंड सब्सिडी या सब्सिडी एंड प्रिंसिपल, देन द करेक्ट आंसर इज सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल। ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज आप बोलोगे सर यहां पर ना हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आपने बोला कि इससे हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, इससे हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, और यहां से आप बोल रहे थे सर ये तो खुद लेजर अकाउंट है, तो इससे कहां बनाएंगे लेजर अकाउंट। हमने तो बोला था सब्सिडरी बुक होती है जिसके बेस पे तुम लेजर अकाउंट फिर बाद में बनाते। सर आप तो बोलते हैं ये खुद लेजर अकाउंट है। बेटा ये खुद अपना लेजर अकाउंट है, बट इसमें क्या है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है नहीं होता है? हाँ सर, इसमें अगर वो कैश मालिक लाता था 5 लाख रुपया था तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, होता था नहीं होता था 5 लाख। जब मैंने बोला कि इट इज अ सब्सिडरी बुक, तो क्या है मतलब सबसे पहली कैश की ट्रांजैक्शन जो हो गई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसकी मैंने कहीं पे जर्नल एंट्री नहीं की, मैंने कैश बुक में डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये सब्सिडरी बुक हो गई। जब मैंने बोला ये खुद अकाउंट है, हाँ सर कैश की मैं कहीं पर जर्नल एंट्री करता फिर पोस्टिंग करता, सर एंट्री यही आती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये लेजर भी है। तो सर आपने तो बोला था ये सब्सिडरी है इस कॉन्टेक्स्ट में कि इससे लेजर अकाउंट बनाते हैं। हाँ बेटा ये भी मैंने करेक्ट बोला। सर कैसे ये करेक्ट होगा, ये तो खुद लेजर होगा। मैंने बोला जब हम कोई जर्नल करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर मैं करता कहीं और पे तो पहले मैं कैश अकाउंट बनाता, बट वो तो मैंने बनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कैश अकाउंट में, सर फिर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता, तो वो कैपिटल अकाउंट में उस जर्नल से बनाता, बट अब तो मैंने यही कैश बुक बनाया, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो ये कैश बुक ही मेरा बेसिस बन गया किसके लिए, एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। कैश बुक ही मेरी बेसिस बन गई फिर सेल्स अकाउंट बनाने के लिए। इसी तरीके से कैश बुक ही मेरा बना परचेज अकाउंट के लिए। तुम बोलोगे सर परचेज के लिए अलग है, मैं बोलूंगा नहीं, परचेज के लिए परचेज बुक अलग है जिसमें क्रेडिट परचेज होगी, परचेज अकाउंट अलग है। सेल्स के लिए सेल्स बुक अलग है जिसमें क्रेडिट सेल्स है और सेल्स अकाउंट है। समझ आई बात, परचेज बुक क्या है, क्रेडिट परचेज, से परचेज अकाउंट क्या है जिसमें सारी परचेज है, या क्रेडिट है या सेल्स है। तो उसमें जो परचेज अकाउंट बनेगा, सपोज जो परचेज अकाउंट बनेगा उसमें क्या हो जाएगी, दो जगह से एंट्री आएगी। जो कैश में परचेज होगी वो, जब मैंने एक परचेज कर दी तो मैं यहां पे क्या, अगर मैंने कैश में परचेज कर दी, जो दूसरी एंट्री में परसों के लेक्चर में कर रहा था बाय परचेज अकाउंट 2 लाख, जब मैं 2 लाख की परचेज कर रही, अब क्योंकि वो कैश में परचेज करती तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, यहां पे आएगा। और सपोज मैंने क्रेडिट में परचेज कर दी 1 लाख की, वो कब आएगा, परचेज बुक पे। उसके बाद क्या बनेगा, परचेज बुक के अकाउंट पे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में आएगा टू परचेज बुक वो 1 लाख, और क्या आएगा टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपया। तो यहां से हमें क्या हो गया समझ, इस कैश बुक के बेस पे फिर मैं क्या करता हूं, ये जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होता है कैश ट्रांजैक्शन में, उसका अकाउंट बनाता हूं ऑन द बेस ऑफ कैश बुक, क्योंकि मेरे पास कोई और जर्नल नहीं है, मैं यहां से बनाता हूं, तो ये सब्सिडरी होता है। तो कैश बुक से हम क्या करते हैं, जो दूसरे लेजर अकाउंट से वो बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने कैश बुक को ही कैश फॉर्मेट रखा है। इससे क्या होता है, हमारा काम बहुत आसान होता है। जो पहले हम सारी ट्रांजैक्शंस कैश की एंट्री करते हैं फिर जाकर दो अकाउंट्स बनाते हैं कैश, वो हमने उस एक पार्ट को, पहले जर्नल एंट्री वाले पार्ट को पूरा खत्म कर दिया, और कैश अकाउंट वाला बना लेना था तो वो बना दिया, और जो दूसरा पार्ट था वो यहां से ही बना दिया, परचेज अकाउंट और ये परचेज। तो इस तरह से डबल एंट्री हो जाएगी और हमें वो जर्नल वाला काम नहीं करना पड़ा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो कैश बुक के लिए अगर आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बुक है, एक क्वेश्चन है कि सब्सिडरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है, इसमें क्या आती है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन जो भी होगी, परचेज सेल की जो भी कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इसके बेस पर फिर वो अकाउंट बना। तो परचेज अकाउंट में दो तरह की ट्रांजेक्शन आएगी, एक कैश बुक से आएगी और परचेज बुक से आएगी। क्रेडिट परचेज होगी तो परचेज बुक से वहां पर एंट्री आएगी, और कैश परचेज होगी तो यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो आप वो ट्रेल पता चलेगा कहां से। इसी तरह से सेल्स का होगा, तो अगर सेल्स कैश में होगी तो यहां पे आएगी, तो फिर जाके वो सेल्स बुक में जाएगी, सेल्स बुक नहीं सेल्स अकाउंट में जाएगी, और सेल्स अकाउंट बनाएंगे हम, वहां पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय कैश, और इसी तरीके से ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है।
ये था कैश बुक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैश बुक के कुछ ट्रांजेक्शन, कैश बुक के कुछ फीचर्स। तो आप अपना नोट जो है आपके पास है ही, वो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। तो अब हम कैश बुक के फॉर्मेट पढ़ते हैं, ठीक है? ये समझ आया? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो कैश बुक में सिर्फ क्या आती है? कैश ट्रांजेक्शन, चाहे रिसीट हो या पेमेंट हो। तो कैश बुक चार तरह के होते हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर, एटलीस्ट 8, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी 4, इट कैन बी 3, इट कैन बी इवन 1। अगर छोटी एंटरप्राइज है वो बोलता है मैं ये सब कुछ नहीं करता हूं, मैं एक ही कर लेता, ही कैन डू इट, उसकी मर्जी है। एनीवेज, वी विल नॉट गो इन दैट। मेरा दूसरा पॉइंट है कि कैश बुक जो है ना वो चार टाइप के होते हैं। ये भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो बट है आपके सिलेबस में तो डालूंगा, बहुत सिंपल है। एक को बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिंगल कॉलम होता है, इसको बोलते हैं सिंगल। ये नहीं बोलना कि डबल है, सिंगल इन द प्रोसेस ऑफ अमाउंट के कंटेक्स्ट में। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन डालूंगा कैश बुक का, अगर तुम देखोगे तो यहां पे एक ही आ गया, सिर्फ कैश आ गया, है ना, ये अमाउंट आ गया। अगर तुम एक कैश बुक बनाओगे जिसमें एक ही कॉलम होगा, सिर्फ कैश का कॉलम होगा, मतलब सिंगल कॉलम विच रिकॉर्ड्स सिर्फ कैश ओनली, विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश, विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश, तो उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश अकाउंट। बहुत आसान है, सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, सिर्फ कैश वाला। अभी जब मैं दूसरा बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिंगल कॉलम मतलब सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसमें, ये अमाउंट वाला एक ही कॉलम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैश का, जो कैश होता है ना, हार्ड नोट, हार्ड करेंसी जो होती है, उसमें जो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा हिंट मिला होगा कि अगर बैंक की ट्रांजेक्शन है तो कैश इन हैंड होता है और कैश बैंक होता है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि सिंगल है, सिर्फ कैश होगा, बैंक का अकाउंट अलग से बनेगा। अगर हमने इस तरह से अकाउंट बनाया कि सिर्फ कैश का अकाउंट बनाया है, तो उसको बोलेंगे कैश बुक सिंगल कॉलम। अब क्या हो सकता है, इसको मैं रब करता हूं। ये समझ आया सिंगल कॉलम? हाँ सर समझ आया, बाकी डिटेल मैंने नोट में दे दिया, तो आप नोट से दे सकते हो, ठीक है? सिंगल कॉलम हो सकता है, अब बताओ आगे क्या होगा? सर हाँ हमें फील आ रहा है सर, आगे डबल कॉलम होगा। और क्या हो सकता है फिर? ट्रिपल कॉलम। और क्या हो सकता है सर? क्वाड्रिपल कॉलम। नहीं, ट्रिपल कॉलम ठीक है, यहाँ पे दो कॉलम होते हैं, यहाँ पे तीन होते हैं, चार कॉलम नहीं होते, तीन वाला ही होता है, और लास्ट में जो होता है उसको पेटी कैश बुक बोलते हैं, ठीक है, पेटी कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम मैंने बोल दिया, अब डबल कॉलम है, डबल कॉलम। अभी हम इसका एक अकाउंट भी बनाएंगे थोड़ा सा, मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे, हालांकि तुम्हारे एग्जाम में शायद उतना नहीं पूछा गया, बट अगर आपका शौक होगा जानने का, नहीं हम सीखना चाहते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे और एक चीज हो जाएगी, आपकी ग्रिप हो जाएगी। और दूसरा चीज जो मैंने बोला था ना आपको, कि उस दिन मैंने आपको बोला था कि लेजर का जब मैंने कर दिया, तो शायद आपने बोला होगा कि सर ने तो बोला था हम आगे लेजर अकाउंट में कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और ग्रिप आएगी, सर ने तो वो स्किप कर दिया। मैंने डिलिबरेटली स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे आपका टाइम भी बचाना है और आपका कोर्स में जो जो होगा वो चीज कराना है। तो तभी मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कैश बुक जस्ट लाइक एन अकाउंट, तो हम कैश बुक के एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे हमें क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से जिस तरह से कैश अकाउंट बनाते, उसी तरह से कोई और अकाउंट बना दे तो हमें वो लेजर अकाउंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अदरवाइज अलग से उसको करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपका टाइम, मतलब ठीक है बहुत सारों के लिए फायदा भी हो सकता था क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती, बट ओवरऑल क्योंकि आपका एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इन लेजर अकाउंट्स का या उनको डेप्थ में जाने का, तो आपको टिडबिट्स लेने हैं, आपको समझने, आपको बेसिकली वो थ्योरी पढ़नी है जो है, बट उस थ्योरी के लिए कुछ बेस तो होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू मेक द सेंस द सेम थिंग व्हिच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, ओके अच्छा ये ऐसा था। अदरवाइज तुम लोग बोलते ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या है, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, सब्सिडियरी प्रिंसिपल, क्योंकि जब तुम्हें वो कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं थे तो तुम्हें शायद वो उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आता, या तुम्हें बहुत गूगल करना पड़ता, इधर उधर देखना पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी चीज में आप लोगों को असिस्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट असिस्टिंग यू उन दोज थिंग्स, क्योंकि मैं देखा हूँ पूरा कोर्स क्या है क्या नहीं है, तो मुझे पता है कहाँ पे आपको क्या चीज जरूरत है, तो उसी तरीके से मैं आपको ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कॉलम हो गया, देखो यहाँ पे मैं अगेन में छोड़ रहा हूँ, जब मैंने कैश, जब मैंने किसी भी अकाउंट का बोला था वहां पे आठ कॉलम होते थे, वो आठ कॉलम यहाँ पर भी थे, मतलब एक जो अभी कॉमन कैश बुक का था, बट हम अमाउंट के कंटेक्स्ट में बोल रहे थे सिर्फ सिंगल होगा, बाकी उसमें भी लेजर फोलियो होगा, उसमें भी डेट होगा, बट यहाँ पे मैं उन चीजों को नहीं ले रहा हूँ कंसीडर में, मैं सिर्फ किन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे सिर्फ कैश अकाउंट था,
था ना कैश अकाउंट का अमाउंट, ये कैश बुक है और ये डबल कॉलम है। क्या है? मेरा कहने का मतलब है, जब मैंने ये कैश अकाउंट बनाया था ना पहले, तो मैंने बोला डेबिट साइड में चार होते हैं, क्रेडिट साइड में चार होते हैं, डेट पर्टिकुलर लेजर फुली अमाउंट डेबिट, वो यहां पर भी हो जाएंगे तो चार। तो जो अभी मैंने सिंगल बोला था उसमें वही आठ है, उसमें वो आठ है, बट हम जब कॉलम की बात करते हैं, हम कॉलम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट वाले कॉलम वहां पे एक ही है, मतलब है तो दो बट है एक ही, मतलब एक ही अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द कैश अकाउंट ओनली, वो कहने का मतलब है, दैट इज अ जस्ट कैश अकाउंट। सिंगल कॉलम में जब मैंने एक ही कॉलम बोला मतलब वो सिर्फ कैश अकाउंट है, और जब मैंने बोला कि डबल कॉलम है इट मीन्स वो कैश अकाउंट भी है और भी कुछ अकाउंट है, तो एक तो वो कैश है और डिस्काउंट अकाउंट है। तो यहां पे भी क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कैश बुक में दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट, तो इसको रीड करो, ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इसी तरीके से यहां पे भी दो अकाउंट है, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, हमने पढ़ा था डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं, पढ़ा था, हाँ सर हमने डिस्काउंट्स पढ़ा था जब मैंने अकाउंट्स टर्म्स बताई थी, अगर नहीं देखे तो अकाउंट्स टर्म्स का जो बेसिक लेक्चर है वो देख लो। डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं बिजनेस में, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है सर, जो एट द टाइम ऑफ ट्रेड देते हैं, विच इज बीन गिवन एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि कस्टमर माल ले ले, इसका मतलब क्या होता है कस्टमर माल ले ले। तो जैसे अभी अमेजोन पे सेल चल रही है 6th और 7th अगस्त को, 1000 की चीज है तो वो रहा आज 10% डिस्काउंट है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 900। तो ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट है इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो आज की डेट में अगर आपको इनवॉइस देगा वो 900 की सेल मानेगा, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। फिर वो बोलता है एक और चीज, अगर तुम कैश में पेमेंट करते हो तो तुम्हें 5% एडिशनल डिस्काउंट है, कैश परसेंट 5% एडिशनल डिस्काउंट है, जो 45 रुपीज आपको मिलेगा जितना भी वो बनेगा 5% 45, तो तुम्हें ये पड़ेगा टोटल 855 रुपए में। दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कैश प्राइस, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट और इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है, ताकि कस्टमर माल खरीदे, ये किस लिए दिया जाता है ताकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करे। तो यहां पे हम अमेजोन वाले अभी बोलते हैं कि तुम अभी कैश या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तो आपको अगेन 45 मिलेगा, अगर तुम बाद में करोगे कैश ऑन डिलीवरी तो आपको क्या होगा वो बोले, अगर अभी तुम कार्ड से करोगे तो इतना, और अगर तुम बाद में करोगे तो फिर तुम्हें पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दुकानदार भी हो सकता है, वो पहले ट्रेड डिस्काउंट देगा और फिर बोलेगा अगर तुमने 10 डेज में पेमेंट कर दी या 20 दिन में पेमेंट कर दी तो हम वो फर्दर डिस्काउंट दे देंगे। तो वो जो बाद में डिस्काउंट देता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये एट द टाइम ऑफ ट्रेड दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है, इसका मकसद क्या होता है कि सेल हो जाए, तो जब वो सेल करेगा तो वो एंट्री करेगा 900 की, तो उसके लिए क्या होगा, जब वो सपोज वेंडर उधार लेगा परचेजर तो वो एंट्री करेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है 900 ये एंट्री करेगा, हाँ सर उधार में ले लिया तो 900 इज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस देगा। और बाद में जब वो सपोज विद इन 10 डेज और 15 डेज उस डेडलाइन के बीच में पैसा देगा जिसमें बोला गया, उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, सर वो 855 देगा क्योंकि इज एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट, तो वो एंट्री क्या करेगा, तब वो करेगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 855, और तुमने यहां पे डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो तुम्हारा क्या है सर, दिस इज आवर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं सर, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 45 टू डेटर, डेटर को खत्म करेंगे, क्रेडिट द गिवर 900, इसका अकाउंट पूरा कैंसिल करेंगे, क्योंकि वो बोलता था भाई मेरे 900 थे ना, हाँ भाई तुम्हारे 900 है 900 दे दो, वो बोल रहा है सर मैं तो 10 दिन के अंदर अंदर दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर आपने बोला था 5% डिस्काउंट होगा तो मैं आपको 855 दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा ठीक है भाई तेरा हिसाब फुल सेटल हो गया, इसको बोलते हैं फुल सेटल, तो उसको मुझे क्रेडिट कितना करना, उसने तो 855 दिया, 855 में उसको कैसे क्रेडिट करूंगा, बट 45 में उसको किससे क्रेडिट करूंगा, जो मैंने उसको डिस्काउंट देना है तो उसके अकाउंट को पूरा 900 क्रेडिट करूंगा, जिसको हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट। इस तरीके से फिर एंट्री क्या हो जाएगी, फिर
सेल सेल चला जाएगा, डेटर खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा सर, मेरे पास कैश आ गया 855। तो कैश कितना आया मेरे पास, जब इस ट्रांजेक्शन के मैं अब जर्नल एंट्री तो नहीं करूंगा, सीधे कैश बुक करूंगा 855, और यहाँ पे 45 हो जाएगा तो जो उस डेटर का नाम है 45। तो अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कैश डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, ये भी याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, हम जो ने सेल्स बुक करते हैं वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। और अगर मैं कैश बुक ऐसे बनाता हूं कि उसमें मुझे पता है कि फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज होती है, रिसीव्ड में तो फायदा होगा, मतलब जब मैं पेमेंट करूंगा क्रेडिटर को और अगर मैं विद इन टाइम दूंगा और वो मुझे डिस्काउंट देगा, दैट डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी माय इनकम, क्योंकि तब सपोज मैंने उसका 1000 सा परचेज कर दिया था और जब मैं देना होगा तो मुझे 950 ही देना है, तो मेरा फायदा कितना हुआ, 50 रुपए का क्रेडिटर को मैं डेबिट कितने से करूंगा, सपोज मैं इस पर डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करूंगा, अभी डेटर अगर मैंने किसी से 1000 में लिया था और मुझे 950 देना पड़ेगा, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा 950, बट डेटर को कितने, क्रेडिटर को कितने से करूंगा डेबिट, सर क्रेडिटर को पूरे 1000 से डेबिट करूंगा और मेरा 50 का डिस्काउंट रिसीव का इनकम होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डिस्काउंट अलाउड इज माय एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, ये हो गया हमारा, हां सर ये हो गया। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है हमने वो भी इधर ही कैश बुक में एंट्री कर दी, अलग से उसका जर्नल नहीं कर दिया, क्योंकि हमने फिर क्या करना था, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से जर्नल करना था, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से जर्नल करना, तो फिर वो कैश, कैश का इधर होता है बाय क्रेडिटर 950 और फिर क्या होता है क्रेडिटर का अलग से एक जर्नल एंट्री होता है, जो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कहाँ पे जाता है, जर्नल प्रॉपर में, फिर हम एंट्री करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर जाकर डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाते और फिर क्रेडिटर का अकाउंट बनाते, तो वो लंबा खींच जाता है, तो हमने बोला कि यहाँ पे हिसाब रखेंगे तो पता भी चल जाएगा, इससे क्या होता है, इससे पता भी चलता है ओके ये डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से क्रेडिटर का था, इस मिस्टर एक्स का था, तो वहां पे अगर फिर तुम उसको अलग करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कैश कब आया वो कब आया, तो वो दो अकाउंट डिफरेंट बनते, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड का जो जर्नल था वो जर्नल प्रॉपर में ना डाल के इधर ही कर दिया, इसके बाद हम डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये एज ए अकाउंट नहीं है, डिस्काउंट रिसीव का अलाउड अकाउंट बनाएंगे, टोटल करके यहाँ से ले जाएंगे, या तुम यहाँ से डायरेक्टली उसको फिर पीएनएल में ले सकते हो, ट्रायल बैलेंस में ले सकते हो, टोटल करके जो तुम्हें आसान रहेगा, इट्स अप टू यू, तुम यहाँ से भी डायरेक्ट डिस्काउंट रिसीव ले सकते हो और क्रेडिटर का यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ करते हैं, दो अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, एक तो कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड इस तरफ से देखिए डेबिट है, डिस्काउंट रिसीव इस तरफ से क्रेडिट, ये दोनों अलग है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव दो अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड इज अवर एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव इज अवर इनकम, ये एक्सपेंस जाएगा पीएनएल में, ये इनकम जाएगा पीएनएल, और दोनों पीएनएल में जाएंगे, तो दोनों अलग अलग अकाउंट बनेंगे, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक में ही भर रहा है डबल कॉलम में, तो डबल कॉलम में क्या आएगा सर, एक तो कैश अकाउंट आएगा और एक डिस्काउंट अकाउंट आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, और आपने बोला है कि ट्रिपल कॉलम है, सर आजकल के जमाने में, आजकल के जमाने में इट इज इम्पॉसिबल टू फंक्शन विदाउट अ बैंक, डू यू एग्री और नॉट, यस सर वी एग्री 100% एग्री, आजकल के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है, शायद 2016 से पहले पॉसिबल था, बट 2016 के बाद जो डिमोनेटाइजेशन कंट्री में हो गया उसके बाद तो मुश्किल ही है कि किसी दुकानदार के पास बैंक अकाउंट ना हो, क्योंकि जब तुम अभी इनकम टैक्स भी पढ़ोगे वहाँ पे भी लिखता है तुम इससे ज़्यादा खर्चा कैश में नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हैं, तो सर बैंक भी होता है, तो सर क्या हम कैश का कैश अकाउंट बनाएंगे और बैंक के लिए जर्नल करेंगे, नहीं हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, तो बैंक की ट्रांजेक्शन जो होते हैं तो हम एक कैश बुक बनाएंगे जिसमें तीन कॉलम होंगे, ये रहा बैंक का कॉलम, ये रहा कैश का कॉलम, और जो अभी डिस्काउंट का था ये रहा डिस्काउंट का कॉलम, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी तीन कॉलम हो जाएंगे, ये रहा बैंक का कॉलम, ये रहा कैश का कॉलम, ये रहा डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है। तो ये तीन कॉलम हो गए, तो यहाँ पे ट्रिपल कॉलम में क्या बनेगा, कैश बैंक और डिस्काउंट, एक तरफ से डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस और दूसरी तरफ से डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब सपोज मैं एंट्री बोलूंगा, जैसे हमने सेल कर दी किसी बंदे को और उसने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दी, तो वो मेरे किस में चला जाएगा, या उसने मुझे पेटीएम कर दिया, यूपीआई कर दिया, तो वो किस में जाएगा, मेरे बैंक में। तो मैं सेलर हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट तो है नहीं, कैश में तो आया नहीं, तो बैंक में आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500। और वही बंदा अगर मुझे पेटीएम यूपीआई नहीं करता बल्कि कैश देता मुझे, और कैश सपोर्ट 200 की सेल होती, तो एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200,
इसी तरीके से अगर मैं किसी किसी क्रेडिटर को अगर मैं किसी क्रेडिटर को कैश में पेमेंट करता हूं तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय क्रेडिटर 1000। बट अगर मैं उसको चेक दूंगा, अगर मैं चेक दूंगा तो मेरा क्या काम हो जाएगा सर, मेरा बैंक अकाउंट काम हो जाएगा। तो बैंक में मेरा एसेट है उसको कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या फिर बैंक उसको दे रहा है तो क्रेडिटर गिवर करना, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो उसको क्रेडिट करूंगा। सर मैंने उसको 2000 का चेक दे दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश तो नहीं जा रहा मेरा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बाय बैंक। और उनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सीधे पोस्टिंग हो जाएगी कैश बुक में, जो हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना दिया है। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना दिया। अब सपोज मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूं, वही जो अभी किया था मैंने, क्या किया, डेटर को, डेटर ने मुझे पेमेंट दे दी, डेटर ने मुझे पेमेंट दे दी 855, बोला 45 का डिस्काउंट है, और ये पेमेंट उसने मुझे बैंक में दे दी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 855, और डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरा डिस्काउंट अलाउड मेरा नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर 45, तो डेटर 45, तो डेटर को मैंने कितने से क्रेडिट किया, 45 और 855, सर उसको मैंने पूरा 900 से डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया, तो वो खत्म होगा। इसी तरीके से अगर मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी और थ्रू बैंक कर दी और उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो एंट्री इस तरह से हो जाएगी, बाय क्रेडिटर 50 का डिस्काउंट, 950 बैंक से चले गए। तो इस तरह से हमें पूरा हिसाब पता चलेगा कि बैंक में कितना बैलेंस है और बैंक में कितना आया कितना गया, तो डिफरेंस मुझे बैंक का बैलेंस निकलेगा। इस तरीके से पर मैंने और एक सेल कर दी, टू सेल्स 3000, ठीक है, और मेरी कैश में सेल्स आ गई, टू सेल्स टोटल 2000। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज सॉरी ये डिस्काउंट मैंने इधर 45, ये डिस्काउंट इधर है, ठीक है। इसके बाद जब पूरा ये ट्रांजेक्शन होते हैं, ये एक टिपिकल कैश अकाउंट बन गया, ट्रिपल कॉलम कैश बन गया। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज बनानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा दिमाग रखो, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी दिमाग दो मिनट के ऊपर रखो, मैं यहाँ पे एक लेजर फोलियो वाला कॉलम बनाता हूं, जो हर किसी में होता है, ये मत समझ लो मैंने चार कॉलम बना दिए, ये हर किसी में होता है, बट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं उसको समझाने के लिए, अभी तक मैं तभी नहीं बनाता क्योंकि मुझे बोर्ड में स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूं। लेजर फोलियो होता है, हाँ सर लेजर, वो डेट और पर्टिकुलर, तो लेजर फोलियो तो हर किसी में होगा, फिर अगर कैश वाला होगा तो सिंगल कॉलम, फिर अगर कैश और डिस्काउंट होगा तो डबल कॉलम, डिस्काउंट कैश और बैंक होगा तो ट्रिपल कॉलम, वो तो सर हर किसी में हो जाएगा, ठीक है, वो तो हर किसी में हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन में बोलता हूं, तुम लोगों ने मुझे बता देना है इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, या उसकी अब जर्नल तो नहीं कर रहे हैं, कैश की है तो उसको हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है, मैं बता दूं, हाँ सर आप बता दो। तो तुम लोग जब ये वीडियो देखोगे, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जब मैं ये क्वेश्चन बोलूंगा तो आप आंसर को पास करते, मतलब वीडियो को पास करते ना, और अपना दिमाग लड़ा देना, जितने भी तुम लोगों को नॉलेज है खुद से सोच लेना क्या एंट्री हो जाएगी, उसके बाद चेक कर लेना तुम्हारा आंसर ठीक था या गलत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब मुझे बता दो, अगर मैंने ये बोला कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 500, मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मतलब कैश, कैशियर के पास पैसा आया था ना, कैशियर के पास पैसा आ गया तो कैशियर क्या किया, बैंक में इसको जमा कर दिया, तो उसने 500 रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब मुझे इसकी एंट्री बता दो क्या होगा, सोचो सोचो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश को डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, तो कैसे देखोगे, सर कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश क्या है, रियल अकाउंट, कैश चला गया, सर कैश तो चला गया, तो कैश जब जाएगा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सर एक चीज तो मुझे समझ आ गया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश को मुझे क्रेडिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट 500। सर आपने मुझे हमें एक ट्रिक बताई थी, तो अगर एक अकाउंट क्रेडिट होता दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाए तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे नहीं सर ये ट्रिक हिसाब से मत समझाओ, हमें लॉजिकली समझा दो। मैंने बोला बेटा कैश गया, हाँ सर कैश गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, और बैंक में पैसा आया, बैंक को अगर तुम रियल अकाउंट ट्रीट करोगे, बैंक एसेट है तुम्हारा, बैंक एसेट बढ़ गया, एसेट में पैसा आ गया तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, या दूसरे एंगल से बैंकर को अगर तुम पर्सनल अकाउंट बोलोगे तो उसको क्या करोगे, बैंक पैसा ले रहा है तुम्हारा तो बैंक को क्या करोगे डेबिट करोगे, तो डेबिट द रिसीवर बोलोगे या डेबिट वर्ड कमजिन करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा आया और कैश अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सर ये हमें समझ आया, इसका एंट्री हो जाएगा जब मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे बताओ इसको कैश बुक में कैसे डालोगे, सर बैंक को डेबिट करना है, करना है डेबिट,
हाँ सर, बैंक को डेबिट करना है, बैंक में पैसा आया, ये बैंक है तो बैंक में पैसा आया ना, जब तुम बैंक स्टेटमेंट देख रहे हो तो बैंक में पैसा आया ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 500 रुपीज। हाँ सर, तो किसने किया? टू कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 500, ये वाली एंट्री, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 500 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 500 से, कैश जा रहा है ना, कैश तुम्हारे पास कितना था? 2000 और 200 कितना हुआ? 2200 में से 1000 क्रेडिटर को दिया था, बताया कितना? 1200 में से ये 500 जा रहा है किधर? बैंक में। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, कैश गया किससे? बाय बैंक। समझ आई बात? हाँ सर, सिंपल है सर, क्या क्या है, बहुत आसान है। बैंक में कैश आया तो हमने बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक अकाउंट है तो बैंक को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट करना है तो बैंक 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 कॉलम में एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट किससे आ गया पैसा? टू कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे। और कैश अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट भी यही है, कैश अकाउंट भी यही है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय कैश। ठीक है, लाइट चली गई थी, अब वापस आ गई। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय कैश। अब तुम जब देखते हो, सबसे मजे की बात क्या है, जो दोनों अकाउंट थे इसमें, जब दोनों अकाउंट थे, एक था कैश और एक था बैंक, और दोनों अकाउंट इधर ही थे। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर ये क्रेडिटर का अकाउंट था, जब मैंने कैश दे दिया तो एक ही जगह कैश बुक में एंट्री होती थी बाय क्रेडिटर। उसके बाद हम क्रेडिटर का अकाउंट यहां से बनाते तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या करते? डेबिट टू कैश 1000 रुपए। इसी तरीके से डेटर का अकाउंट बनते, सेल का अकाउंट यहां से बनते। पर जो जब तुम यहां ने बाय बैंक कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बाय बैंक, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया बाय बैंक, तो दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो तुम बैंक अकाउंट पे जाते, बट बैंक अकाउंट भी तो इधर ही है, तो इधर भी तुमने आया, तो यहां से 500 डेबिट हुआ बैंक में और यहां से 500 क्रेडिट हुआ इधर कैश में। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इधर लिखते हैं लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी, और इधर भी लिखते हैं सी। तो जब तुमने यह देखा बाय बैंक सी, इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब इसका दूसरा एंट्री भी इसी अकाउंट में, इधर ही इसी बुक में रखा है, तो तुम्हें कहीं और अलग लेजर में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी दूसरी एंट्री भी इधर ही हो रही है। तो जब तुम यहां देखोगे 500, तो तुम्हें यह पता चलेगा 500, तो तुम कोरिलेट करोगे ये 500 वही है जो यहां से निकाल के बैंक में जमा कर दिए थे। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी इन द लेजर फॉलो। तो तुम्हें समझ आएगा कॉन्ट्रा एंट्री से क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है, तो समझ आया। और कॉन्ट्रा एंट्री से क्या होगा, एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट कम हो जाएगा, तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बैंक वाला बढ़ेगा और कैश वाला। और इसका उल्टा अगर हो जाएगा, अगर हमने कैश निकाला बैंक से, अगर हमने बैंक से कैश निकाला किसके लिए, ऑफिस में अब स्टाफ को सैलरी देनी है, महीने में जितना भी कैश आ रहा था तुम बैंक में जमा कर रहे थे, और लास्ट डे पे तुमने क्या कर दिया, कैशियर को बोला वहां से पैसे निकाल दो, सैलरी देनी है। तो अगर हमने अब बैंक से पैसा निकाल दिया, अगर हमने बैंक से पैसा निकाल दिया सपोज 1000 रुपया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर? अब हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक कम हो जाएगा। तो अगर तुमने कैश आया 1000 रुपया, फिर तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश 1000 रुपया। तो कैश कम हो जाए, बैंक तुम्हारा कम हो जाएगा, कैश तुम्हारा बढ़ेगा, तो अगेन दिस इज तुअर कॉन्ट्रा एंट्री। इस तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश भी बनता है। उसके बाद क्या करते हैं हम सर, उसके बाद हम सर इन अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो जो बड़ा साइड होगा उसको टोटल करते हैं, बट ये डिस्काउंट रिसीव्ड अलग है, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, तो इनको तो बैलेंस नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक ये क्रेडिट साइड है डिस्काउंट का, ये डेबिट साइड है, नहीं, डिस्काउंट अलाउड अपना अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग, तो ये टोटल 45 है, ये 45 ही रहेगा, और ये टोटल 50 है, ये 50 रहेगा, ये 50 अपना डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा, और ये डिस्काउंट अलाउड अपना डिस्काउंट, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा, ये वहां पे 45 जाएगा। अब कैश को टोटल करो, 200 प्लस 2000 2200 और 1000 कितना हुआ? 3200 आ गया। तो यहां पे 3200 करेंगे टोटल, 3200 तुम्हारे पास कैश अभी तक था, अभी तक हमारे पास 3200 कैश था, उसमें से 1000 रुपया क्रेडिटर दिया, बचा कितना? 2200, 500 इसको दिया बैंक में जमा कर दिया, बचा कितना? 1700। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा इसको लिखते हैं हम बाय बैलेंस कैरी डाउन 1700। तो इसको कैसे करते हैं अकाउंट को टोटल, परसों भी मैंने बोला था सर अकाउंट को टोटल करते हैं, जो बड़ा साइड है वो लिखते हैं 3200, तो यहां पे भी 3200, तो बैलेंस को टोटल करते हैं 3200, तो 3200 हमारे पास कैश था,
उसमें उसमें से क्या किया, 1000 रुपया क्रेडिटर को दिया, बचा 22, 500 रुपया हमने बैंक में जमा कर दिया, बचा 1700। तो हमारे पास कैश कितना जो होना चाहिए, 1700। तो हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सर हमारा कैश का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन 1700 रुपया हमारा कैश का बैलेंस है। इसी तरीके से बैंक में हमारा कितना है, 500 और 850, इसको टोटल करूंगा मैं, 4855। इसी तरीके से ये 4855 होगा, उसमें से अगर मैं माइनस करूंगा 3950 माइनस करूंगा, तो 4855 मेरा आया था, उसमें से 3950 में माइनस करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कितना बचा है, 905। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। और हमने जब कैश बुक बना दिया उसके बाद इसको टैली कर दिया, फिर हमें पता चला कि आज की डेट में, सपोज ये मंथ एंड है, मंथ एंड में हमारे पास कैश 1700 है और मेरे पास कैश एंड बैंक 905 है। तो यही तो हमारा गोल भी होता था, अकाउंट बना के हमें पता चलेगा कि हमें उसका बैलेंस कितना है। तो पूरा कैश का हिसाब रखा, लास्ट में हमें पता चलता है हमारा कैश इन हैंड 1700 है और कैश एंड बैंक 905 है। तो ये दोनों बैलेंस शीट की आइटम है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पर मैं तुम्हें बता दूंगा कहां पर आ जाएगा। तो ये था बेसिक कैश बुक के बारे में, और डिस्काउंट रिसीव का, फिर डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा तो वहां पे एंट्री हो जाएगी टू डेटर, और इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव का अपना डिस्काउंट नंबर, तो वहां से फिर वो अपने ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। तो ये था कैश बुक ट्रिपल कॉलम में, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं, तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, सर बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ट्रिपल कॉलम में क्या है, ट्रिपल कॉलम में हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वो होता है, ठीक है, जब ऑफिस में पैसा आ जाएगा बैंक की बैंक से, ठीक है। और अगर बैंक से निकाल के डायरेक्टली कहीं और दे दिया कैश, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री तब हो जाएगी जब वो कैश हमारे काउंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट बचा पेटी कैश बुक, उसकी तरह से वो कंप्लीट करके हमारा ये कैश बुक वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने अभी बोले कि मोटा मोटी जो होता है कैश बुक तीन तरह का होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और क्या है, ट्रिपल कॉलम, और एक होता है पेटी कैश बुक। पता है क्या होता है, छोटे छोटे खर्चे ना बहुत होते हैं, छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं, और नॉर्मली तुमने देखा होगा बिजनेस में, अगर तुमने कहीं पर थोड़ा सा काम कर दिया होगा, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इंप्रेस्ड। क्या होता है, एक इंप्रेस्ड होता है, इंप्रेस्ड कंसेप्ट है। इंप्रेस में क्या होता है, जैसे हमें छोटे छोटे खर्चे करने होते हैं, जैसे हर दिन स्टाफ के चाय वाय लेनी होती है, ठीक है, और पोस्टेज का, स्टेशनरी का, ये छोटा छोटा खर्चा होता है। तो ये क्या होता है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, और अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है, अमाउंट लेस होता है। तो अगर हम इनको भी नॉर्मल कैश बुक में करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो वो बेचारा कैश बुक बनाता है उसको बहुत, वो कैश बहुत बड़ी फाइल बनेगी, वो जो कैश बुक है वो बहुत बड़ी फाइल बनेगी, और उसमें ये छोटे छोटे अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर उन अकाउंट्स का दूसरा अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए काम बहुत बढ़ेगा। तो उस काम को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंप्रेस्ड कंसेप्ट लाते हैं। तो हम एक बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मिस्टर मनोज है, मिस्टर मनोज को हम बोलते हैं पेटी कैशियर। एक हमारा मेन कैशियर है जो मोटा मोटा कैश देखता है, तो वो मेन कैश बुक बनाएगा। एक मनोज है जो पेटी कैशर है, तो हमने बोला ऑफिस में जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं ना, किसी का कहीं जाना है तो उसको चाहिए ऑटो के लिए किराया कन्वीनियंस चाहिए, या स्टाफ को कुछ समोसे का मजा किया मन कर दिया तो समोसे लाए, ये लिया वो लिया, कोरियर कर देना, कोरियर के चार्जेस है ना, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली होते हैं बिजनेस में, एक दिन में हो सकता है 10 बार हो सकते हैं, बट इनका अमाउंट बहुत छोटा होता है। तो ये काम भी अगर मेन कैशियर को दे देगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और कैश बुक में ये डालोगे छोटा छोटा आइटम भी, ऊपर 10 लाख की, 1 लाख की सेल आ रही है और नीचे 50 रुपये का कोरियर चार्ज आ रहा है, तो वो कैश बुक का मतलब ऑडिट में भी मजा नहीं आएगा, उसको बनाने में मजा नहीं आएगा, पोस्टिंग में भी फिर दिमाग खराब हो जाएगा, इसी तरह से गलती से इधर उधर चला जाएगा तो इंपैक्ट बहुत आएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे खर्चे के लिए एक बंदे को एडमिट करते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर। और इसके पास जो कैश देते हैं उसको इंप्रेस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको इंप्रेस्ड बोलते हैं। तो क्या होता है, जो मेन कैशियर होता है, मेन कैशियर इसको क्या देता है, सपोज 3000 रुपया देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्या देता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मैं बोलता हूँ सपोज नॉर्मली 3000 का खर्चा होता है, तो इसको वो 3000 का कैश पकड़ा देता है।
तो वो क्या करता है वहां पे, जब मैन कैशियर ने उसको 3000 रुपए दे दे, तो वो अपने कैश बुक में एक एंट्री करेगा बाय इंप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि कैश निकल गया बाय इंप्रेस्ड कैश। तो ये एक मनोज जो है अपने पास ये कैश बुक बनाएगा, मनोज अपने पास क्या बनाएगा, ये जो इस 3000 का हिसाब रखेगा, वो बोलेगा मुझे उसने दे दिए 3000 रुपया रिसीट और इसके बेस पे फिर मैंने खर्चे कर दिए, सपोज पोस्टेज पे मैंने खर्चे कर दिए, एक दिन 5 रुपया, दूसरे दिन 100 रुपया, ऐसे तरह से 20 रुपया, ऐसे हो गया। कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट मैंने लोगों को दिया, उनको कहीं पे जाना था काम के लिए, इसको एक बार 10 रुपया दिया, 20 रुपया, 30 रुपया। स्टेशनरी का मुझे खर्चा हो गया सपोज 100 रुपया, उसके बाद 200, 300, इस तरह से वो ये 300 का रिसीट आता है और इसके खर्चे खर्चे कहाँ कर दिए वो ये टोटल करता है, ठीक है। और फिर जाके ये पोस्टेज का अकाउंट बनाएगा, कन्वीनियंस का अकाउंट बनाएगा और स्टेशनरी का अकाउंट बनाएगा, ठीक है, ये करेगा ये, हाँ ये करेगा। तो कैसे रहेगा फ्लो, जो मेन कैशियर है वो बोलेगा मेरे पास कैश था, उसमें से 3000 मैंने इस पे दे दिया और 3000 का खर्चा मनोज करेगा, मनोज ये छोटे छोटे खर्चे करेगा, तो बोलेगा पोस्टेज का इतना खर्चा हो, इसका खर्चा था, इसका जो है, और उसके बेस पर वो पोस्टेज का अकाउंट बनेगा, उसका अकाउंट बनेगा, वो जो मेन अकाउंट होगा उसको देगा कि पोस्टेज का टोटल खर्चा मंथ में इतना हो गया, तो सिर्फ पोस्टेज की एक एंट्री पड़ेगी। फिर अदरवाइज तुम पोस्टेज के 10 एंट्रीज होती है, 10 एंट्रीज होता तो तुम्हारा दिमाग खराब होता है कि वो एंट्री करते, तो पोस्टेज का सीधा एक ही एंट्री हो जाएगा, इस महीने में पोस्टेज का कितना खर्चा हुआ, इस महीने में कन्वीनियंस का कितना खर्चा हुआ, इस महीने में स्टेशनरी का कितना खर्चा हुआ, तो महीने में 12 एंट्रीज ही पड़ेंगे स्टेशनरी की, अदरवाइज हो सकता है हर दिन तुम्हें स्टेशनरी पे घुसने घुसलाना पड़ेगा, तो बहुत सारे चांस है। उसको खत्म करें मनोज एक अपना कैश रहता है, तो कभी मनोज का जरूरत पड़े तो मनोज को ऑर्डर किया भाई 3000 का हिसाब दे दे, तो वो अपने हिसाब से हिसाब देगा और उसके पास वो अपना वाउचर रखेगा, अकाउंटिंग वाउचर होगा, नहीं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होगा, तो इस तरीके से पूरा हिसाब हो जाएगा। फिर जब इसको ये 3000 रुपया खत्म हो जाएगा, सपोज लास्ट में इसको 200 रुपया बचा है, तो हमने डिसाइड किया पॉलिसी कि हर मंथ के बिगिनिंग में इसको बस 3000 होना चाहिए, तो अगले महीने क्या होगा, मेन कैशियर इसको फिर 2800 और देगा, बोलेगा पहले हिसाब दे कितना है, वो बोलेगा 200 बचा है मेरे पास, बोलेगा ले ले 2800 और, कितना होगा इसके पास 3000, तो अगेन बोलेगा अब इसके पास 200 था, फिर बोलेगा रिसीव पुराना बैलेंस 200 था, फिर नया आया 2800, तो खर्चा करता जाएगा, खर्चा करता जाएगा, तो मंथ में पोस्टेज का बैलेंस निकलेगा टोटल, उसके बेस पे पोस्टेज के बेस पे एंट्री करेगा, तो डबल एंट्री भी हो जाएगी, कैश का वहां से जा रहा है, डबल एंट्री वहां से हो रही है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो जब ये छोटी छोटी बहुत ज्यादा होती है तो एक पेटी कैशर को रखा जाता है, वो ये पेटी कैश खर्च करते हैं, उसको पेटी कैशर बोलते हैं, और इस कैश को जो उसके पास देता है उसको इंप्रेस्ड बोलते हैं। तो जब एक महीने बाद जितना भी खत्म होता है और डिफरेंस फिर जितना भी होता है, अगर 3000 पॉलिसी की है कंपनी ने तो 2800 फिर उसको देते हैं, या ये 200 वापस देगा फिर 3000 देंगे, बट वैसा नहीं होता है, 200 इसके पास है तो इसको बोलते हैं ले ले पूरा 2800, तो हो गया तेरा 3000। तो ये था बेसिकली कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक हमने पढ़ा, ये सब्सिडरी बुक भी है और ये एक प्रिंसिपल बुक भी है, ये एक जनरल भी खुद में है और एक लेजर भी खुद में है। तो ये था आपका कैश बुक के बारे में, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जो मैंने आपको नोट्स दे दिए थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बोल दिया। तो कभी कभी अगर तुम्हारे पास चेक आता है ना, अगर तुम्हारे पास चेक है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, अगर तुम्हें चेक आ गया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो चेक में क्या होता है, तुम्हारे बैंक में पैसा आ जाएगा, बट बैंक में कब पैसा आ जाएगा, जब तुम बैंक में जमा करोगे। अगर तुमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो तुम डायरेक्टली उसको बैंक में डालते हो एंट्री, क्या डालते हो, बैंक में डालते हो, तुम बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर होगा तो डेटर अकाउंट करते हैं, बट हो सकता है वो रियलाइज एक दो बात हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, तुम बैंक अकाउंट देते हो और फिर जाके क्या होता है, वो तुम्हारा वो बैंक में दिख जाता है, जब तुम स्टेटमेंट लाते हो तो मैच होता है, नहीं होता है मैच तो आगे एक टॉपिक करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन, वहां पर मैं और समझा दूंगा। बट अगर आपने बैंक आज लिया है, चेक लिया और तुम्हें पता है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है 20 तारीख की है, तो तुम आज बैंक में डेबिट नहीं करोगे क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक है, तो आज बोलोगे फिर तुम बैंक स्टेटमेंट देखो वहां पे होगी नहीं, तो मिसमैच होगा, तुम उसको एज ए कैश इन हैंड रीड करते हो। दिस आर रियर एग्जाम्पल ऑफ नॉट रिसीविंग द कैश एंड स्टिल शोइंग इट एज अ कैश इन हैंड। यू जस्ट, अगर तुम्हारे पास चेक आ गया और तुम अभी जमा नहीं कर रहे हो, 10 दिन 15 दिन बाद वो बैंक में क्रेडिट होना है, तो तुम उसको एज ए कैश इन हैंड देते हो, तो तुम कैश कॉलम में एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, बट उसमें लिख देते हो कि ये चेक आया है, बट तो तब आया नहीं उसमें, तो फिर जब वो तुमने बैंक में जमा करते तो वो कंट्री एंटर हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बोलोगे ये चेक डिपॉजिट इन बैंक करके उसको नरेशन लिख लोगे, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है, तो जब चेक तुम्हारे पास इनिशियली आएगा और अगर उसी दिन जमा कर दिया तो तुम बैंक अकाउंट को सीधे डेबिट करोगे, बट अगर तुम बाद में डेबिट करोगे, बाद में जमा करोगे, तो पहले कैश अकाउंट को डेबिट करोगे और फिर जब चेक को जमा करोगे तो कैश को कम करोगे, बैंक को बढ़ा दोगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया, ये तुम कर देना, बहुत आसान है, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। तो जैसे ये है, एक इलस्ट्रेशन मैंने दी है, कैश इन हैंड है, तो इन हैंड जो होता है तो ओपनिंग बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट साइड होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। उसके बाद तुमने क्या, रिसीव्ड फ्रॉम राम 300, राम से कैश आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 300, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेंट पे, रेंट पे कर दिया, एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स पर कैश,
सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश ट्रांजेक्शन है तो ये कैश बुक में हो जाएगी, सेल्स बुक में नहीं हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद क्या है, पे टू शाम, शाम को पे कर दिया, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश में कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय फर्नीचर। उसके बाद परचेज फर्नीचर, पेड सैलरीज एज्यूमिंग पेड इन कैश, एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, रेंट ड्यू होगी पे नहीं कर रहा तो इसके जनरल प्रॉपर में एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, तो वो कैश अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा जब टोटल करोगे, 1800 का कैश टोटल था, उसमें से खतरा कितना हो गया, तो तुम्हारा बैलेंस बचा 770, तो उसको बोलते बाय बैलेंस सीडी, और उसको अगले मंथ में नीचे लाते हैं डेबिट साइड से, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। इसी तरीके से तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इस क्वेश्चन को कर देना। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हर टॉपिक में तुम्हें 20-20 दे दूंगा, और हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स 15 से 20 हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से और तोड़ तोड़ कर 15 ही हो गए, 15 into 20 तो 300 एग्जाम्पल्स, 300 ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ ही कवर हो रहे हैं, तो 300 में प्रोबेबिलिटी हमें 30 के आने की है, तो होपफुली इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि इन्हीं 300 में वो 30 क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आपका 100% स्कोर रहेगा। बस आपका काम क्या है, इन नोट्स को पढ़ो, इन लेक्चर्स को देखो, इंशाल्लाह आप जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो हमारा लेजर भी हो गया, जर्नल भी हो गया, कैश बुक भी हो गया, सब्सिडी बुक भी होगा, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा, मतलब आप समझ लो कि 70% तो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कुछ फॉर्मेलिटीज है वो बाकी रही है, ट्रायल बैलेंस को सीखेंगे, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इस तरह से हम वो पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ छोटे मोटे आपके टॉपिक्स है, बैंक रिकेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, बट डेप्रिसिएशन भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो डेप्रिसिएशन में आपको बता दूंगा थोड़ा सा, और भी कुछ जो मुझे जरूरत लगे वो करेंगे, बट मेजरली आपका कंप्लीट हो गया। अपने लेक्चर्स को देखो, इन जो क्वेश्चंस मैंने दिए उनको करो, कोई भी डाउट होगा तो फील फ्री मुझे बता दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।